भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। नागपुर की आम जनता सर आपसे भूलेंगे नहीं कभी। से चीज सीधे कैमरा काम त्यांनी केलेले आहे। श्री फुल्लारी, श्री झलके साहेब रिटायर झालेले आहे, श्री नवीन चंद्र रेड्डी ज्यांचे नुकतेच प्रमोशन झालेले आहे। काम करणारे सर्व अधिकारी, पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, पोलीस स्टेशनचे इतर अधिकारी कर्मचारी, सर्व शहराचे गणमान्य नागरिक, आमचे CP ऑफिसचे सर्व मिनिस्टेरियल स्टाफ आणि सेवानिवृत्त अधिकारी, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे आमचे क्राइम रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डंट्स यांचे सर्वांना मी सर्वप्रथम धन्यवाद देतो। आपण आमच्याबद्दल, आमचे कुटुंबियांबद्दल अत्यंत चांगले आज या कार्यक्रमात वक्तव्य केलेले आहे, मी मनापासून आपले आभारी आहोत। मैंने उसको बोला अरे सर तक CP सर का मैसेज आएगा, तो सर ने एक्चुअल में मैसेज किया कि मेरा एक प्लीज कॉल। तो सर का जो मॉनिटरिंग है एंड एंड तक, लेट नाइट तक एंड एवरीथिंग, एक एक चीज़ में, एक अक्सर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है पुलिस डिपार्टमेंट में कि थानेदार को 90% मालूम। देखो बेटा, मैम देखो कसा नागपूरचा अनुभव होता आणि कसं वाटतंय नागपूर सोडताना। बहुत बहुत धन्यवाद। ते खरा 3.5 वर्षाचे कार्यकाल नागपूरला अत्यंत सॅटिस्फाईंग आणि अत्यंत चांगले कार्यकाल गेला आणि त्यामध्ये विशेष करून आमचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी, आमचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे मोठ्या प्रमाणात आम्हाला सहभाग लाभला, जेणेकरून जनताची अपेक्षा आणि आम्हाला दिलेली जे जबाबदारी पोलीस दलाला आहे ते पूर्ण करण्यात यश मिळाला। आम जनता, जे सर्व प्रकारचे जे स्टेक होल्डर्स आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात विश्वास आणि सहकार्य पोलीस विभागाला लाभला, त्याच्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे अभिनंदन। आणि विशेष करून सर्व पत्रकार बंधू भगिनीने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असतील, प्रिंट मीडिया असतील, डिजिटल ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स असतील, सर्वांचे अत्यंत चांगला सहकार्य मिळाला आणि आम्हाला विश्वास आहे की अशाच प्रकारचे आपण जे प्रेम आणि विश्वास आम्हाला दाखवले ते पुढचे काळात पण अशाच प्रकारचे विश्वास आपले राहील पोलीस दलाला। आणि अत्यंत चांगली टेन्युअर गेली आणि चॅलेंजेस येत असते, आमचे जबाबदारी आम्हाला वेगवेगळे प्रकारचे जबाबदारी पार पाडताना चॅलेंजेस असते, परंतु अत्यंत चांगल्या रीतीने सगळ्यांचे सहभाग लाभला, जेणेकरून चांगला कार्यकाळ गेला। जे काही उणीवा राहिले असतील आम्ही क्षमस्व आहे आणि सर्वांचे धन्यवाद। चैलेंजिंग क्या था आपको, जो नए CP आ रहे उनके लिए क्या चैलेंजिंग होगा यहाँ पे?
देखिए, पुलिस विभाग में चैलेंजेस तो हर दिन नए रहते हैं। हमारा जो ब्रेड एंड बटर जिसको मैं बोलता हूँ, वो क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, वीआईपी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लीडरशिप प्रोवाइड करना, मैन मैनेजमेंट, ये सभी हमारी जवाबदारी रहती है। और ये करते हुए चैलेंजेस हर दिन नए रहते हैं और टीम वर्क में वो सभी चैलेंजेस, टीम वर्क और साथ साथ पब्लिक का सपोर्ट और पब्लिक का विश्वास, उसके साथ सभी चैलेंजेस ओवरकम करने में सफलता मिलती है। टेन्योर जरूर लंबा था बट बहुत ही सेटिस्फाइंग था। और मैं हमेशा जनता की जो अपेक्षा है, जनता की जो तकरार है, उसको निराकरण करने का प्रयत्न हमने ईमानदारी और पारदर्शिता से सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ने किया। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा और आम जनता को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, नागपुर में हमेशा से क्राइम बहुत ज्यादा है, इस प्रकार की टीका टिप्पणी नागपुर के बारे में होती रही है और हिस्टोरिकली होती रही है। कुछ लोगों का ये है कि बॉडी ऑफेंसेस बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ होता है। हमको ये ट्रेंड अरेस्ट करने में, मतलब ट्रेंड जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था उसको या प्लेटो था उसको डिक्लाइन करने में पुलिस दल को यश मिला है। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट बोलते नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल जो एक क्राइम के फ्रंट पे फील गुड फैक्टर था वो शायद हमने स्थापित कर पाए। और विशेष करके बॉडी ऑफेंसेस और मर्डर्स का प्रमाण जिस प्रकार से जो डिप हुआ था वो एक जरूर एक मेजर सफलता रही है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से नागपुर में मर्डर होते हैं, कई बार नेशनल खबर भी बनी उस चीज की, तो नए जो सीपीओ है वो मर्डर को लेकर के लिए चैलेंजिंग होगा? ये देखिए, मैं बताया, ये क्राइम प्रिवेंशन और लॉ एंड ऑर्डर, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। इनफैक्ट ये सबसे कोर जवाबदारी हमारे लिए है और जरूर ये चैलेंज हमेशा रहता है। बट जिस प्रकार की टीम है और जिस प्रकार के जो स्ट्रीमलाइंड है, हमें पूरा विश्वास है इसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी आगे नहीं होगी। और जो अगले सीपी आ रहे हैं उनको भी अर्बन पुलिसिंग की बहुत, और अर्बन पुलिसिंग और ओवरऑल बाकी पुलिसिंग में बहुत ही वेरीड और बहुत रिच एक्सपीरियंस है। एंड जो सभी का सहकार्य उनको भी मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि वो इससे भी ज्यादा उनका सफल कार्यकाल रहेगा। सर, आपने कहा, उनको धन्यवाद ही देना चाहूंगा क्योंकि जो भी हम चाहे वो आम जनता ने हमें दिया। कोई भी ऐसी घटना जहां पे कभी कुछ इंसिडेंट होता था, हम और हमारे पुलिस दल वहां पे गए और उन्होंने हमारी बात सुनी और सुन करके किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक घटना नहीं होने दी। ये जो विश्वास उन्होंने हमारे पे दिखाया है, चाहे वो कामटी का कॉम्युनल इंसिडेंट हो या वो मोमिनपुरा का इंसिडेंट हो या यशोधरा नगर का इंसिडेंट हो, इस प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हुए हैं उसमें हमारे पहुंचने के बाद, हमारे ऑफिसर्स के पहुंचने के बाद उन्होंने हमारी सुनी, इसके लिए मैं सिर्फ उनका आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ। और इसी प्रकार का प्रेम पुलिस दल पे वो रखें, यही हमारी अपेक्षा रहेगी।